हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन स्टडी। ये सेकंड वीडियो है हमारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जनरल अवेयरनेस सेक्शन 40 मार्क्स की है, तो इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये एक क्विक वीडियो होगी। 40 क्वेश्चंस मैं जल्दी से जल्दी डिस्कस करूँगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं। इस वीडियो का पर्पस है आपको MCQs देना, इसलिए इस वीडियो को मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आपका पहला MCQ है, विच क्रिकेटर वॉज नेम्ड एज अ कैप्टन ऑफ ICC ODI एंड टेस्ट टीम्स ऑफ द ईयर। कौन से क्रिकेटर को कैप्टन डिक्लेयर किया गया है ICC की ODI और टेस्ट टीम ऑफ द ईयर? एंड द आंसर इज विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री इज टू प्ले होस्ट टू अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 टूर्नामेंट। कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है अंडर 19 वर्ल्ड कप को? एंड द आंसर इज साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम क्रिएटेड द जॉग वाटरफॉल। इनमें से कौन से रिवर सिस्टम से जॉग वाटरफॉल क्रिएट होता है? एंड द आंसर इज शरावती। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर रीजन। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा रिवर बेसिन है इंडियन पेनिनसुलर रीजन का? एंड द आंसर इज गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द हाइएस्ट रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स इन द कंट्री। इनमें से कौन सी रिवर का सबसे ज्यादा रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स है हमारी कंट्री में? एंड द आंसर इज द गंगा। क्वेश्चन नंबर 6, हु एक्टेड एज अ मीडिएटर इन द इंडस वाटर ट्रीटी। इनमें से कौन मीडिएटर बना था इंडस वाटर ट्रीटी में? एंड द आंसर इज वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 7, रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। भारत का क्या रैंक है दुनिया में लैंड एरिया के हिसाब से? एंड द आंसर इज 7th। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द मेजॉरिटी एंड द मेजर ऑयल फील्ड्स इन इंडिया। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके पास भारत की सबसे ज्यादा और सबसे खास ऑयल फील्ड्स हैं? एंड द आंसर इज असम। क्वेश्चन नंबर 9th, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भारत में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा शुगर का उत्पादन कहाँ पर होता है? एंड द आंसर इज उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउ मेनी जोन्स हैज द इंडियन रेलवे सिस्टम बीइंग डिवाइडेड फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट। भारतीय रेलवे कितने जोन में डिवाइडेड किए गए हैं? एंड द आंसर इज 16। आपको इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा रेलवेज है उसे 16 जोन में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट हाईवे। इनमें से कौन सा हाईवे भारत का सबसे बड़ा हाईवे है? एंड द आंसर इज NH7। क्वेश्चन नंबर 12th, द नेशनल वाटरवे 1 या फिर NW1 लोकेटेड इन इंडिया एंड रन फ्रॉम हल्दिया टू अलाहाबाद अक्रॉस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम। क्वेश्चन कह रहा है कि जो नेशनल वाटरवे 1 है हमारा, जो कि हल्दिया से अलाहाबाद तक है, वो कौन से रिवर सिस्टम के अक्रॉस पड़ता है? एंड द आंसर इज द गंगा। गंगा के ऊपर पड़ता है हमारा हल्दिया अलाहाबाद का नेशनल वाटरवे 1। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिसीव विंटर रेनफॉल कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इनमें से कौन से रीजन को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से विंटर रेनफॉल मिलती है? एंड द आंसर इज पंजाब। क्वेश्चन नंबर 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स द फर्स्ट मॉनसून इन समर। इनमें से भारत के कौन से हिस्से पे पहला मॉनसून पड़ता है समर्स में? एंड द आंसर इज वेस्टर्न घाट्स। क्वेश्चन नंबर 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रैक एंड द श्रिंक्स व्हेन इट ड्राइज। जब सॉइल ड्राई किया जाता है एंड उस पे क्रैक्स आते हैं तो उसको किस कैटेगरी का सॉइल माना जाता है? एंड द आंसर इज ब्लैक क्ले सॉइल। क्वेश्चन नंबर 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फेमस फॉर द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साइलेंट वैली। इनमें से कौन सी स्टेट फेमस है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साइलेंट वैली के लिए? एंड द आंसर इज केरला। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट या UT इज द लीस्ट पॉपुलस अकॉर्डिंग टू इंडियाज 2011 सेंसस। इनमें से कौन सी स्टेट या UT में सबसे कम पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? एंड द आंसर इज लक्षद्वीप।
क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स यूटी विटनेस मोर देन 50% ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन? कौन सी स्टेट या यूटी में 50% से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है? एंड द आंसर इज दादरा एंड नागर हवेली। क्वेश्चन 19, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K वॉज इनएक्टेड ऑन? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि J&K का कॉन्स्टिट्यूशन को कब इनैक्ट किया गया था, ना कि इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, इनैक्ट और इम्प्लीमेंट दो अलग शब्द हैं। इनैक्ट कब किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को? 17 नवंबर 1956 में। एंड अब है क्वेश्चन 20, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K केम इनटू फोर्स कब आया था? आया था 26 जनवरी 1957 में। क्वेश्चन 21, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया बाय J&K वाज साइंड ऑन? तो 26 अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था J&K द्वारा इंडिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन डिड द 10 ईयर ट्रांजैक्शन पीरियड एंडेड? अब क्वेश्चन मेरा ये है कि 10 ईयर ट्रांजैक्शन पीरियड क्या था। बेसिकली जिन्होंने मेरी इंडस वाटर ट्रीटी की वीडियो देखी है वो जानते हैं कि ये 10 ईयर ट्रांजैक्शन पीरियड क्या था। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी है, वहां जाके देख सकते हैं। इसका आंसर है 31 मार्च 1970। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन द RTI वॉज फर्स्ट इनएक्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर? जब भी आपको शब्द इनएक्टेड दिखेगा आपने ज़्यादा होशियार हो जाना है ऑप्शंस के साथ। एंड द आंसर इज 7 जनवरी 2004। क्वेश्चन नंबर 24, विच रिवर इज नोन एज सूर्यपुत्री? किस रिवर का नाम सूर्यपुत्री है? एंड द आंसर इज तवी रिवर। क्वेश्चन नंबर 25, विच लेक ऑफ जम्मू रीजन हैज शेषनाग टेम्पल? जम्मू के कौन सी लेक में शेषनाग मंदिर है? एंड द आंसर इज मानसर लेक। क्वेश्चन नंबर 26, ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज साइंड ऑन? ट्रीटी ऑफ अमृतसर कौन से ईयर में साइन की गई थी? एंड द आंसर इज 1846। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन डिड महाराजा हरि सिंह बिकेम द किंग ऑफ J&K? कौन से साल में महाराजा हरि सिंह किंग बने थे J&K के? एंड द आंसर इज 1925। क्वेश्चन 28, महाराजा गुलाब सिंह डाइड ऑन? महाराजा गुलाब सिंह की मृत्यु कब हुई थी? एंड द आंसर इज 1857। क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? इनमें से कौन सी स्टेट की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है? एंड द आंसर इज गुजरात। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाई द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स हैव लो रेनफॉल? जो वेस्टर्न घाट्स का ईस्टर्न स्लोप है वहाँ पे लो रेनफॉल क्यों होती है? एंड द आंसर इज देयर लीवार्ड लोकेशन। लीवार्ड का क्या मतलब हो गया? लीवार्ड यानी कि डाउनवर्ड नीचे जाती हुई लोकेशन की वजह से वहाँ पे कम रेनफॉल होती है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज रिलेटेड टू द टर्म रेगूर? इनमें से कौन से सॉइल को रेगूर भी कहा जाता है? एंड द आंसर इज ब्लैक कॉटन सॉइल। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ सॉलिडिफाइड फ्लड बसाल्ट? एंड द आंसर इज डेक्कन ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कंज्यूम हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया? इनमें से कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कंज्यूम करती है? एंड द आंसर इज तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स? इनमें से भारत की कौन सी स्टेट है जिसके पास सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है? एंड द आंसर इज गुजरात। क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी? इनमें से भारत की कौन सी सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी है? एंड द आंसर इज डिगबोई। क्वेश्चन 36, माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज? भारत के ईस्ट वाले हिस्से में जो बाउंड्री म्यांमार के साथ टच होती है वहां पे जो माउंटेन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? एंड द आंसर इज पूर्वांचल। क्वेश्चन 37, द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज कॉल्ड एज? ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक को हम क्या बोलते हैं? एंड द आंसर इज महेंद्रगिरी। क्वेश्चन 38, इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड ऑन? इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन की गई थी? एंड द आंसर इज 16 सितंबर 1916। क्वेश्चन 39, दिल्ली एग्रीमेंट वॉज साइंड ऑन? दिल्ली एग्रीमेंट कब साइन किया गया था?
and the answer is 1952. Question number 40. State subject law was passed on. क्वेश्चन है स्टेट सब्जेक्ट लॉ कब पास किया गया था, और मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करता हूँ. जब मैं IBPS का इंटरव्यू दे रहा था बैंक PO का, तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेट सब्जेक्ट लॉ कब पास किया गया था, एंड द आंसर इज 31 मार्च 1927. तो इस वीडियो से इतना ही. ये वीडियो बनाई गई थी फॉर द पर्पज कि आपको MCQs प्रोवाइड किए जाए, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं रखी. अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप हमारे लेक्चर्स देखिए, आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.